गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, नाउ ही इज हैविंग ब्लैक कॉफी विथ लेमन, थोड़ा सा ऐसे डाइट के लिए। और फाइनली हम लोग ने ये जो सोफा कवर है इसका दो पार्ट करवा दिया, एक पार्ट यहाँ पर है और दूसरा पार्ट यहाँ पर है। यहाँ पे वो ऑब्वियसली थोड़ा छोटा है क्योंकि हम लोग ने कस्टमाइज सोफा बनाया, इसलिए अदरवाइज वो प्रॉपर शेप, अगर आपके पास ऐसा क्या बोलते हैं इसको सिटिंग वाला ना, एल शेप इतने लेंथ का होगा ना तो आपको प्रॉपर हो जाएगा, बट हम लोग ने स्पेशली थोड़ा बड़ा बनवाया था ताकि नीचे स्टोरेज मिल सके। बट इट्स लुकिंग नाइस ना बंडो, मस्त दिखता है हाँ सोफे को ना एक अलग ही लुक आ गया। अभी इसके ऊपर जो नया वाला कवर है ना वो आ जाएगा तो उससे वो और अच्छा दिखने वाला है। और आप में से बहुत सारे जन को इसका लिंक चाहिए तो आई विल डेफिनेटली गिव द लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि परसों के ब्लॉग में भी कितने सारे जन मुझे पूछ रहे थे इसी लिंक दो। और इसमें कलर्स भी अवेलेबल है तो आप अपने हिसाब से, ब्राउन चॉकलेटी कलर है, रेड है, हाँ मतलब लेंथ ना, तो ये इतना ही लेंथ है ना जिसपे तो बैठा है, इतना ही लेंथ है उसका, हाँ उसको बीच में से कट किया है, हाँ ते मी सांगितलं आहे की हे कनेक्टेड होता मधून आपण कापलंय, त्या दिवशी मी असं उचलून दाखवलं ना की डबल फोल्ड केलंय, अँड ऑल क्रेडिट गोज टू मम्मा क्योंकि मम्मा ने ये कलर चूज किया है। हम लोग चूज कर रहे थे चॉकलेटी या तो ब्लू, हम लोग ने ये कलर चूज किया था, आइदर क्रीम कलर या तो डार्क चॉकलेटी कलर, बट मम्मी बोली नहीं सिंस द वॉल पेपर इज ब्लू सो गेट एक्वा ब्लू कलर, इट लुक नाइस, बट खरोखर चांगला दिसतोय वो रूम हॉल को ना, पूरा ब्राइट लुक दे रहा है। और आप लोग भी मंगाइए, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, देखे फैब्रिक इज ऑल्सो नाइस, वर्थ स्पेंडिंग दैट अमाउंट है ना, हाँ बोल ली क्रेडिट पहला पाहिजे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू दिस व्लॉग। एंड मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, मतलब सुबह तो मैं आप लोग को सुशांत से इंट्रोड्यूस करा दिया एंड दिखा दिया सोफे का वो कैसा कवर, इतना सुंदर दिख रहा है, ऑल द कलर्स आर प्रीटी उसमें जितने भी अवेलेबल है। और अभी मैं पूरा खाना बनाकर आई हूँ, मटर गोभी बटाटे की मसाले वाली भाजी बनाई है, येलो वाला मिर्ची वाला फोड़नी वाला अम्बट वरण बनाया है कोकम डाल के, दाल राइस सैलड बना दिया, अमिता को बोले सिर्फ खापर पोड़ा गरम गरम बना के सर्व कर देना, मम्मी मावशी तो ऑब्वियसली है हेल्प करने के लिए, सर्व करने के लिए। आई एम एक्चुअली गोइंग सानू स्कूल, मुझे थोड़ा स्कूल में काम भी है और प्लस उसका बस फीस और स्कूल फीस दोनों पे करना है, तो इसके लिए मैं अभी जा रही हूँ उसके स्कूल। और बहुत टाइम के बाद मैंने एक्चुअली ये वाला सनग्लासेस निकाला है क्योंकि अभी एकदम धूप है 12:30, मतलब ये ठंडी चालू हो गई है ना तो ऐसा छाँव में खड़े रहो तो एकदम ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, और जैसे बाइक पे बैठ के अभी रोड पे जाऊँगी तो इतना गर्म धूप लगने वाला है, बट आई जस्ट लव विंटर सीजन, मुझे बहुत अच्छा लगता है विंटर, मतलब बारिश में कैसे सब जगह पानी पानी रहता है, विंटर इज़ द बेस्ट सीजन, व्हाट आई एंजॉय। तो चलिए चलते सानू के स्कूल और फीस पे करके आती हूँ, उसके अलावा भी मुझे थोड़ा काम है वो भी करके आती हूँ, और आज मैं लेके जाऊँगी मेरी स्कूटी क्योंकि सुशांत इज़ बिजी तो मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ, तो चलिए चलते। आपको पता है ठंडी के टाइम पे वेजिटेबल कितना फ्रेश मिलता है, कितना अच्छा मिलता है, तो अभी मैं जहाँ से आई हूँ ना जो डीमार्ट का गली है वहाँ पे एक भाजी वाले अंकल बैठते हैं, उनका स्टॉल है, इतना फ्रेश भाजी मिलता है उनके पास, मैं हमेशा जब भी वहाँ से गुजरती हूँ ना मुझे हमेशा देख के ऐसा होता था कि अरे यार कितना फ्रेश भाजी, कभी तो यहाँ से लूँ कभी तो यहाँ से लूँ, तो आज स्पेशली मैं वहाँ पे बाइक होल्ड करके उनके पास से भाजी लेकर आई हूँ, एंड 200 रुपीज़ में आई गॉट सो मैनी भाजी, मैंने क्या क्या लिया, अदरक बीटरूट काकड़ी टमाटर, 1 किलो टमाटर और भरते वाला बैंगन, छोटा वाला बैंगन लिया, भिंडी लिया और क्या लिया वो घोसा, ये क्या कौन सी भाजी बोलते मुझे भी पता नहीं है, ये वाला ये सुशांत को बहुत पसंद है, इसका स्किन को जो हम लोग पील करके बनाते हैं ना वैसा वाला, और भी कुछ भाजी है इसमें तो ऐसा सब मिला के 200 रुपये का हो गया, बट इतना फ्रेश भाजी, मैं उनका नंबर भी लेकर आई हूँ, 1 किलो गाजर भी लेकर आई हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए क्योंकि ठंडी के टाइम पे गाजर एकदम फ्रेश मिलता है, तो मेरे से रहा ही नहीं गया, बोले आज तो मैं यहाँ से भाजी लेके ही जाऊँगी। एंड आप में से भी कितने जन ने मुझे सजेशन दिया था कि इशिता भाजी वाले का नंबर ले ले ताकि देखो नीचे अगर उतरने नहीं मिलेगा तो देखे डिलीवर, तो मैंने उनको वही पूछा कि आप डिलीवरी दोगे, तो ही सेड हाँ मैं दे दूंगा डिलीवरी, आप मुझे से बता देना क्वांटिटी क्या कितना चाहिए तो मैं आपको घर पे ला के पहुँचा दूंगा।
सो आई वाज लाइक वेरी गुड के घर पे ही मिल जाएगा करके पहुंचा के, एंड फ्रेश भाजी, कोई भी भाजी मैं इसमें आपको ओपन करके दिखाऊंगी ना। टमाटर भी मुझे 20 रुपीज़ का 1 kg मिला, पहले मुझे लगा 20 रुपये का आधा किलो तो नहीं बोल रहे ना, तो ये सेट नहीं 20 रुपये का किलो है करके। तो इतना सब मैं भाजी, ये एक थैली और वो एक थैली है, और बस आते वो गन्ने का जूस पी कर आई, फ्रेश शुगर केन जूस। समटाइम यू एन्जॉय योर सेल्फ ओनली, अकेले अकेले सोलो एन्जॉय कर लेने का, तो बोलते ना क्या मस्त खा, स्वस्थ रहा, खुश खुश रहो, खुश रहने का, मतलब कभी कभी अकेले अकेले भी अच्छा लगता है टू स्पेंड या ओन क्वालिटी टाइम। तो बट हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी मूड स्विंग हो जाता है, कभी कभी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं रहता है, तो ऑल द डेज हैव गॉट डिफरेंट स्टोरी, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट बी हैप्पी एंड लेट अदर ऑल्सो बी हैप्पी इन देयर लाइफ। सो चलिए अभी मैं जाती हूँ ऊपर, अभी 1:30 बजी है, ऊपर जाके ऑलमोस्ट आई थिंक डैडी का खाना खा के हो गया होगा, मम्मी मावशी खा रहे होंगे, और अभी मैं जाती हूँ ऊपर, इवन सुशांत का भी हो गया। अगर आपको भी वो वेजिटेबल वाले का नंबर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप पे भेज दीजिए हाई करके, जिनके पास मेरा नंबर है, या तो फिर मुझे अभी कमेंट में लिख दीजिए, जो विरार में रहते हैं वेस्ट में, तो उनको मैं नंबर फॉरवर्ड कर दूँगी, सो दैट यू ऑल कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम दैट अंकल, तो मैं ज़रूर आप लोगों को नंबर पास ऑन कर दूँगी। गुड इवनिंग, गाजर का हलवा बनाने के लिए रेडी हो चुके हम लोग, तो अमिता ने अच्छे से क्लीन करके कद्दूकस कर दिया, यहाँ पर मैंने घी रख दिया गर्म होने के लिए, और अभी रात के लिए मैं बनाऊंगी बटर के साथ साथ, अमिता इज डूइंग दैट। अमिता को भी चाकू नहीं जमता ये वाला, और वो भी मम्मी के जैसा जो मोरली है उस पर ही कट करती है, तो उसको भी इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ आप लोग के पास ये है, क्योंकि ना तो मेरे को चाकू से जमता भी नहीं था और मुझे इससे ही जमता है, मैं उससे तो बिल्कुल भी कर नहीं सकती हूँ। तो अमिता का वो काम सॉर्ट आउट हो गया, मेरा ये काम, सभी मैं मस्त बनाऊंगी गाजर का हलवा, बटाने का कांसरा, मावशी या तो मम्मी बनाएगी भाकरी, आज भाकरी बनेगा, और जो हम लोग का वाटप है ना वो भी खत्म हो गया है, तो वो भी थोड़ा सा बना के रखना है। तो अमिता ने तो ऑलरेडी वो सूखा खोबरा था पीस के रख दिया था, अदरक लहसुन भी है, और सिर्फ कांदा मुझे कट करके स्लाइस करके फ्राई करके वो वाटप रेडी करना है, तो वो तो हो जाएगा जल्दी, वो तो उतना कुछ टाइम लगता नहीं है। तो अभी ये मेरा शाम का पूरा सेटअप है, अनिशु का तो मॉर्निंग शिफ्ट है, तो ये थोड़ा कम इन द नाइट फॉर डिनर, और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। बोलो बहन बहन लोग का देखो, चना चोर गरम चालू है, क्या खाता है? भेड़। भेड़ खाता है, भेटनी कुठे तिकड़े। एक्चुअली मम्मी का आज फॉलोअप था, आज नहीं 2-3 दिन से फॉलोअप था डॉक्टर का, लेकिन जाने नहीं मिल रहा था, तो अभी आराम से 6:15-6:30 को कुछ मम्मी और मावशी नीचे उतरे, ये डॉक्टर कर जाओ ना आला था, डॉक्टर के पास जाकर है आला ना होता, तो लेट है तो जरा, और फिर गेट के पास बैठ के हवा खा के अभी अंदर आ गए भेड़ लेकर, ये देखो दोनों जन, और सानू गई है साइकिल लाने के लिए, इसे मैं उसको नीचे ड्रॉप करने के लिए वो रही आ गई कि तू साइकिल चला ले फिर ट्यूशन जाना है। सानू मस्त चालू, हाँ आता साइकिल एकदम मस्त चालवायला शिकली होती, विदाउट बैलेंस बघा काय स्पीड मध्ये चालवते एकदम स्पीड में, ये रे यार इसको भी लेकर मैंने, चल तुझे थोड़ा घुमा के लेके आती हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी उधर गेट के मेन गेट के पास थी, तो मेरे को लगा वो सानू को वहाँ ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग अंदर ही आ गए, अब 10-15 मिनट साइकिल चलाएगी और फिर जाएगी ट्यूशन, भी चाली होती हूँ अभी चाल ली, हाँ बाय। मेरा यम्मी सा गाजर का हलवा हो गया रेडी, एंड आई एम श्योर अभी ठंडी स्टार्ट हो गई तो आप लोग के घर में भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, या तो बना भी होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये मेरा अच्छे से रेडी हो गया, साइड से देखिए अभी घी छूटना स्टार्ट हो गया, अच्छे से ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर, हल्का सा फूड कलर, ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऑरेंज ऑरेंज था, लेकिन हल्का सा फूड कलर और इलायची पाउडर डाल के मैंने इसको बनाया, 1 लीटर दूध डाला इसमें, और अभी ये प्रॉपर रेडी हो चुका है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे मेरा ये भी रेडी हो गया है, बस अभी और 5 मिनट इसको स्लो गैस पे थोड़ा कुक करके लूँगी ताकि थोड़ा और फ्राई हो जाए अच्छे से, और क्वांटिटी भी इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया, यूजुअली आप देखोगे तो मैं हाफ क्वांटिटी बनाती हूँ, बट अभी आप लोगों को पता है बैक टू बैक लगने वाला है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा बनाया है। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम आई थिंक यू विल बी वॉचिंग मावशी मेकिंग भाकरी, जैसे मम्मा बनाती है सेम वैसे मावशी बना रही है भाकरी, एंड क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा वाला भाकरी घर पे बना नहीं था, अमिता बना रही थी खापर पोड़ा, फिर मैं रात को बना रही थी चपाती, तो आज मेरे बोला बटाटे का कांचरा भी है, सो आज भाकरी हो जाए, तो देन मावशी डिसाइडेड दैट शी विल मेक इट, एंड शी रियली मेक्स वेरी नाइस भाकरी, इतना बड़ा बड़ा, बहुत साल का प्रैक्टिस है, जैसे मम्मा को इतने साल का प्रैक्टिस है, जैसे मावशी को भी इतने साल का प्रैक्टिस है, इनके घर में भी भाकरी ही बनता है यूजुअली, और फिर बच जाता है तो उसको फोड़ने का भाकरी करके खाते हैं, जैसे मम्मी बनाती है सुशांत के और निशु के जो उनको बहुत पसंद है, तो नाउ मावशी इज मेकिंग भाकरी, और मेरा भाजी भी हो गया, दाल राइस का कुकर भी हो गया, हलवा भी बन चुका है, और वो जो वाटप बनाना था वो भी रेडी हो चुका है, वो भी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में उसको ग्राइंड करूंगी, तो ये मावशी कसा वाटते? छान वाटते, उससे ज्यादा तो यू कांट एक्सपेक्ट हर टू टॉक बिकॉज आप लोग समझ सकते हो। तो अभी हम लोग मतलब कितना बजने हैं,
हाँ 9:10 तो मैं अभी 9 बजे डैडी को खाना सर्व कर दूंगी। एक दो टमाटो काटती हूँ क्योंकि सानू को भी पसंद है और डैडी को भी पसंद है, तो दो टमाटो चॉप। मम्मी को इतना पसंद नहीं, खास मावशी को भी नहीं पसंद है, मेरे को मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। बट काकड़ी अभी रात के टाइम में नहीं काट रही क्योंकि सानू को भी थोड़ा, अभी ठंडी का क्लाइमेट है ना, तो एकदम खिड़की भी हम लोग ने बंद रखा हुआ था। यूजली अगर किचन में कुकिंग करते हैं तो खिड़की ओपन ही रखना पड़ता है, बट अभी ठंडी इतना है कि खिड़की ओपन ही नहीं सकती, इतना वो क्या मटन था वारा, तो हल्का वो ठंडी वाला वारा ना, हाँ एकदम ऐसे ठंडी जो भर रहा था वैसा वाला, अभी वो एयर फ्लो हो रहा है। इसके लिए रात के टाइम पे मैं अभी ठंडी में अवॉइड करती हूँ कि काकड़ी नहीं काटू, दिन में जो भी करना हो सैलेड उसका, रात को हो सके तो गाजर का बीट या फिर टमाटो ऐसा वाला सैलेड बनाओ। तो बीट तो अभी मैं नहीं काट रही हूँ, मैं लेकर आई फिर भी मैं नहीं काट रही हूँ, टमाटो ही कट कर दूंगी। एंड यस दिस इज द अपडेट टिल नाउ। गॉड हम लोग प्रैक्टिस कर करके खत्म ही नहीं हो रहा है। फाइनली मैंने और निशु ने कितना दो सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया और उस पर प्रैक्टिस भी कर लिया, काफी हद तक अच्छे से सेट भी हो गया लेकिन थोड़े थोड़े स्टेप्स आगे पीछे हो रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रोफेशनल, हम लोग को उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट वी वॉन्ट टू ट्राई आर बेस्ट टू मेक सुशांत वेडिंग रिचुअल्स सेरेमनी फुल ऑन 10/10, भले आड़ा मेड़ा टेढ़ा है, क्या बोलते निशु है ना, जैसे भी होगा वी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, वी वॉन्ट टू एंजॉय। तो मैं अभी से आप लोग को बोल रही हूँ कि प्लीज इसको जज बिल्कुल भी मत करना, जब आप लोग एक्चुअल वीडियो देखोगे तो जज मत करना, सिर्फ एंजॉय करना और हमारा हैप्पीनेस देखना कैसे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोफेशनल डांसर भी होने वाले, जैसे मनाली है, चेतना है और क्या कौन है, नमिता ताई है, आर्या है और स्वरा है, तो ये सब तो एकदम वेदू भी अगर करा तो, अगर नहीं शर्माए तो, सो दे आर ऑल प्रोफेशनल डांसर, मतलब वो लोग अच्छा डांस कर लेते, बेटर देन व्हाट वी बोथ आर गोइंग टू डू, बट स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट। आप लोग एंजॉय करना, अभी के लिए व्लॉग को एंड करते बिकॉज बहुत लेट हो चुका है, 12:05 हो गए, सुबह अनिशु को ऑफिस मॉर्निंग शिफ्ट जाना है, सानू को ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, मुझे घर का काम है। सो आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज व्लॉग, चलो बाय बाय, गुड नाइट बोल दो नानू, गेट अप, अच्छा बाय बाय, good night and see you in tomorrow's vlog, bye bye, take care।